हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कितना अपसाइड जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है और इसके सपोर्ट क्या है, उसके रेजिस्टेंस क्या है, वो सब इस वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। पहले 1 वीक का चार्ट पे देख लेते हैं क्या है, बाद में हम 1 डे का चार्ट देखेंगे। तो 1 वीक पे मैं देख रहा हूँ तो मेरे को एक क्या है कि एक ब्रेकआउट टाइप दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। बाद में हम देख रहे तो कोई इधर से 1 वीक से डाउन ट्रेंड का कोई साइन नहीं मिल रहा है हमें। 1 वीक में हमें क्या है कि निफ्टी अभी तक बुलिश ही लग रहा है। हम RSI देख रहे हैं तो RSI भी 59 पे, मतलब एक नॉर्मल RSI है। हमारा MACD भी क्रॉस ओवर नहीं दे रहा। हाँ, क्या है कि लास्ट वीक इसने क्या है कि एक रेड कलर की हिस्टोग्राम बना दी थी, लेकिन इस वीक इसने ग्रीन कलर की हिस्टोग्राम बना दिए। तो 1 वीक पे देख रहे तो निफ्टी 50 में हमें कोई ऐसे डाउन ट्रेंड दिखने को नहीं मिल रही है। बाद में हम 1 डे पे देखते हैं तो अगर इसको मैं 1 डे पे कन्वर्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको 1 डे पे कन्वर्ट करता हूँ तो हाल फिलहाल मेरे को आज के दिन की मेरे को एक रेड कलर की कैंडल मिली है। तो ये देखो, आपको कल एक अनडिसिजनल कैंडल मिली और आज एक रेड कलर की कैंडल मिली है। और मैं देख रहा हूँ तो मेरे को इधर डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। मतलब देखो, ये अपना चार्ट ऊपर जाए लेकिन अपना RSI नीचे जा रहा है, अपना जो MACD है वो भी नीचे की साइड स्लोप में आ चुका है। तो मतलब एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला है। तो डाइवर्जेंस जब भी होता है तो हो सकता है थोड़ी डाउन साइड में देखने को मिले, तो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते। तो मान लेते निफ्टी इधर से अगर डाउन साइड गया तो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा रहेगा। तो मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 11,800 रहेगा। अगर ये इधर से निफ्टी नीचे जाता है 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मेरा सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसके नीचे चला जाता है तब मैं ये जो अपनी राइजिंग लाइन है, राइजिंग सपोर्ट लाइन, इसका वेट करूंगा। अगर इस पे कोई इधर आके रिवर्सल दिखाता है तब मैं उसमें एंट्री ले सकता हूँ। बाद में मैं अगर ऊपर की साइड देखूँ तो ऊपर साइड मेरे रेजिस्टेंस कौन से होंगे, तो ऊपर की साइड मेरा रेजिस्टेंस होगा जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, राइजिंग रेजिस्टेंस। अगर ये इधर से कोई रिवर्सल दे के नीचे आने का साइन प्रॉपर तरीके से देता है तब हम इसमें सेल साइड आ सकते हैं, मतलब एक बियरिश मोड में आ सकते हैं। बाद में अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हमारी दूसरी राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन उसकी ओर हम देखेंगे। लेकिन हम देखते हैं पहले हमारी रेजिस्टेंस लाइन यही आएगी। अगर इस पे कुछ करके नीचे जाता है तब हम सेल में आएंगे, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तब हम इसका वेट करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल देखो, इसने एक रेड कलर की कैंडल बना दी। अभी एक ही रेड कलर की कैंडल बनाई, ऐसा नहीं होता कि एक रेड कलर की कैंडल बन गई तो वहां से डाउन साइड स्टार्ट हो जाता है। आपको एक कंफर्म मिलना चाहिए कि इधर से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है। तो वेट करना पड़ेगा आपको क्या होता है निफ्टी में आगे देखते। तो जो ये नेक्स्ट वीक है वो आपको कंफर्मेशन की तरह देखना पड़ेगा। अगर इसमें आपको पूरा वीक में मेजोरिटी डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो निफ्टी के डाउन साइड जाने के चांसेस है। ये हो गया निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी की ओर देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो पहले 1 वीक पे देखते हैं, बाद में हम 1 डे पे शिफ्ट होंगे। अगर मैं 1 वीक पे देख रहा हूँ तो 1 वीक पे मेरे को कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा जहाँ से मैं बोल सकूँ कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जाएगा। आप RSI देख लो तो एक अपर स्लोप में जा रहा है और बोर्ड जोन में भी नहीं गया है अब तक, 64 के लेवल पे। बाद में हम क्या है कि MACD देखते हैं तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, बाद में इसमें हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव बता रहा है। तो 1 वीक पे मेरे को कोई ऐसी नेगेटिव थिंग्स नहीं दिख रही है बैंक निफ्टी में। अब हम क्या है कि 1 डे पे चलते हैं और उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। तो अगर मैं 1 डे पे चलता हूँ, अगर मैं 1 डे पे देखता हूँ तो मेरे को एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जा सकता है। आपको ऐसी कैंडल मिलेगी, देखो इधर इतनी बड़ी कैंडल आ गई, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से अपसाइड आपको देखने को मिला। तो ये होता है, कोई भी चार्ट हो सीधा अप नहीं जाता, थोड़ा ऊपर नीचे होके अप जाता है। तो ये सब कोई भी इंडाइसिस हो, स्टॉक हो, ऐसा चलता रहता है। तो अब हम क्या है कि उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते। मान लेते कि बैंक निफ्टी अगर इधर से नीचे गया तो कहाँ तक जाएगा, मेरा पहला सपोर्ट कौन सा होगा। तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में वो 30,800 होगा। अगर ये मेरे को 30,800 के पास से कोई रिवर्सल साइन दे के अपसाइड जाने का साइन देता है तब हम इसमें मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी 30,800 से यह सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो 30,800 होगा बैंक निफ्टी में।
तो जो मेरा दूसरा सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में वो क्या होगा, तो आप देख रहे हो इधर राइजिंग एक सपोर्ट लाइन जा रही है, तो अगर ये इस पे भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने का साइन देता है तब भी हम इसमें बुलिश में आएंगे, तो इन सिंपल 30,800 या राइजिंग सपोर्ट लाइन दोनों पे कोई भी कोई मूव देता है ऊपर जाने का साइन देता है तब हम इसमें बाय में आएंगे। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 28,500 के आसपास। अगर हमें 28,500 के आसपास भी हमें क्या है कि एक मूव देखने को मिलता है तब हम उसमें बाइंग में आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर की बात है, इसको हम क्या है कि नेक्स्ट वीक में जो भी होगा उसमें डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए जो मेरा नेक्स्ट वीक का सपोर्ट है वो है 30,800 या ये सपोर्ट लाइन। बाद में हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें हमें रेजिस्टेंस क्या है कि इतना ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके अपर निकल चुका है, तो आपको इसमें क्या है कि एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके आइडिया ले सकते हो। तो मैंने बैंक निफ्टी में एक राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये ड्रॉ करने का मेरे को एक आइडिया लगता है कि अगर मैं एक क्या है कि एंगल के साथ ऊपर जाता हूँ तो मेरे को नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है 33,300 या 33,400 के आसपास, मेरे को एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। अगर आप एंगल के साथ जाते हो तब की बात है, तो सिंपल है, अगर आपको इसमें सपोर्ट चाहिए तो जो मेरा 30,800 है वो मेरे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या है कि 33,400 या 33,500 के आसपास रख सकते हैं, लेकिन आपको एक लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही नहीं होता जी, क्योंकि ये राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है इसीलिए मैं थोड़ा 100-200 पॉइंट ऐसे बोल रहा हूँ, समझ गए। ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे उसमें, तो आपको राइजिंग रेजिस्टेंस है, कभी कभी ये नीचे जाके ऐसे जाता है, कभी कभी सडनली चला जाता है, तो पॉइंट में डिफरेंस आता है, तो आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। अगर उस लाइन के आसपास से आपको रिवर्सल मिलता है तब आपको सेल करना है। तो ये था हमारी ओर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, नेक्स्ट वीक कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे वन डे के हिसाब से। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेकर आएंगे। सो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे हैं, उसमें बाद में स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पांस मिला तो हम प्राइज एक्शन भी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है, कुछ जानना है, तो सिंपल सा तरीका, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।